गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये क्वेश्चन है, इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखिए प्लीज, इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल फोर्स कंज्यूमर टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, मोर ऑफ वाई, मोर ऑफ बोथ, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आप पहले समझिए क्या है। कह रहा है कि यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बढ़ता है तो क्या कंज्यूमर एक्स की ज्यादा अमाउंट खरीदेगा कि वाई की अमाउंट ज़्यादा खरीदेगा, या फिर दोनों की अमाउंट ज़्यादा खरीदेगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है। आप लोगों को मैंने कई बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व हमने आपको डिस्कस किया है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चों देखिए प्लीज, इसको यदि मैं डिस्कस करूँ तो आपके पास सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसको और आगे करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बट इसको देखिए, ये देखिए, आपको तो ये पता ही है बच्चों कि ये वाला जो कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, इसमें आपको ये आपकी बजट लाइन होती है बच्चों, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व एट पर्टिकुलर यूटिलिटी लेवल। इसमें से इतना आप एक्स की अमाउंट कंज्यूम करते हैं बच्चों, एंड इतना वाई की अमाउंट कंज्यूम करते हैं ना बच्चों, ये आप जानते हैं, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स होता है। ये बात आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एम आर एस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, यही रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको आपको कई बार पढ़ाया है। अब आप आगे देखिए, इसमें आगे देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वाला जो कंसेप्ट है बच्चों, ये क्या है, एम आर एस, ये जो है ये एम आर एस है। अब आप देख सकते हैं एम आर एस का मतलब होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड यदि एम यू एक्स बढ़ता है, यदि एम यू एक्स बढ़ता है यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बढ़ता है, एम यू एक्स इंक्रीजेस, इंक्रीज इन एम यू एक्स means increase in slope of indifference curve, है ना बच्चों, slope of indifference curve। देखिए अब प्लीज, अब मैं फिर से डायग्राम पे आ रहा हूं बच्चों, slope of indifference curve बढ़ने का मतलब है indifference curve आपका steep होगा, तो अब जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा अब वो इस तरीके से होगा। देखो बच्चों, अब जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस तरह का होगा, ये देखिए इसका यहां पे स्लोप जो है इस तरीके का हो जाएगा, मतलब अब ये स्टीप हो गया, अब ये आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्टीप हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है, अब ये इंडिफरेंस कर्व, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम, तब क्या है ये चीज, अब इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, स्लोप यहां पे ज्यादा है, यहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है,
तो अब आप क्या करेंगे उस केस में? ऑब्वियसली आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, मोर ऑफ एक्स आप कंज्यूम करेंगे इस केस में, मोर ऑफ एक्स कंज्यूम करेंगे। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि सर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? अब ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, क्योंकि बजट लाइन तो अभी भी यही है। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, एक डायग्राम यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, यहाँ पे एक इनिशियल इक्विलिब्रियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, ये देखिए, ये आपकी इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम बच्चों, राइट? यहाँ पे दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। एंड जो दूसरा आपने बनाया अभी, जो दूसरा आपने बनाया दैट विल बी लाइक दिस, है ना? यही है ना आपके पास? ये इंडिफरेंस कब होगा? अब ये इंडिफरेंस कब, आप देख सकते हैं यहां पे तो इक्विलिब्रियम है नहीं, तो ये वाला जो इंडिफरेंस कब होगा? कंज्यूमर विल ट्राइज टू मूव ऑन हायर इंडिफरेंस कब, कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कब पे मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो इंडिफरेंस कब होगा? इट विल बी समवेयर हियर। देखा आपने, ये मूव करेगा ऐसे ऐसे, हायर इंडिफरेंस कब पे मूव करेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स वन, दैट इज मोर ऑफ एक्स विल बी कंज्यूम्ड। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? मोर ऑफ एक्स मतलब इट विल फोर्स कंज्यूमर टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? आंसर देखिए आप लोग, इट विल फोर्स, मैं इसमें भी उसको बनाता हूं, इट विल फोर्स द कंज्यूमर टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स। यहां देखिए, इसको भी मैं यहां पे बना सकता हूं, यहां पे ये देखिए हायर इंडिफरेंस कब पे मूव कर गया बच्चों, ये यहां पे कंज्यूम करेगा एक्स वन, राइट? तो यहां पे दो चीजें हो रही हैं। यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बढ़ता है तो एम यू एक्स यानी आपके पास इंडिफरेंस कब का स्लोप जो है वो स्टीप हो जाएगा। जब स्लोप स्टीप हो जाएगा तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं रहेगा, अब वो दूसरा इंडिफरेंस कब, दूसरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट वो ढूंढेगा, और उसके लिए वो उसे हायर इंडिफरेंस कब पे गया वो, एंड ही और सी विल बी बेटर ऑफ बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है यहां पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी आदत है बच्चों, कि यहां पे आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या होगा यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की जगह पे वाई बढ़ जाए, यहां पे वाई क्या बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब उल्टा रिजल्ट होगा, आप जानते हैं बच्चों, इसका स्लोप फ्लैट हो जाएगा। देखिए उसको मैं करता हूं, इसका स्लोप फ्लैट हो जाएगा। यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यहां देखिए, यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यहां पे आप इसको इस तरीके से, ये देखिए यहां पे आपके पास x, यहां पे y, ये आपकी इनिशियल बजट लाइन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, राइट? एट गिवन यूटिलिटी, ये पॉइंट सेम चीज जो मैं अभी बताया था वही है। यहां पे क्या आएगा आपके पास? एक्स नॉट, यहां पे क्या आएगा? वाई नॉट। यहां पे आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, और इसी चीज को आप इस तरीके से लिखते हैं, क्या एम यू एक्स बाई एम यू वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। नाउ इट सेज कि आपका एम यू एक्स जो है, एम यू वाई बढ़ गया इस केस में। जब वाई बढ़ गया तो क्या होगा बच्चों? जब वाई बढ़ा तो ये फ्लैट होगा, ये कर्व ऑफ फ्लैट होगा बच्चों। ये देखिए प्लीज, इस कर्व को मैं दूसरे कलर से दे रहा हूं बच्चों, ये कर्व अभी फ्लैट होगा, यानी अब आपका ये जो कर्व है इट्स विल बी लाइक दिस। तो अब क्या होगा आप देख सकते हैं, यहां पे आप ये देखिए आईसी वन हो गया, अब ये फ्लैट हो गया, लेकिन अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है, इसलिए ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने की सोचेगा बच्चों।
तो हायर इन डिफरेंस कर्व पे जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो अब ये देखिए, अब इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि वो पहले से बेटर ऑफ है या वर्स ऑफ है, बिकॉज अभी वर्स ऑफ ही है। ही विल बी कंज्यूमिंग लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, है ना बच्चों? पीछे वाले केस में क्या था? मोर ऑफ, पीछे वाले केस में क्या था बच्चों? मोर ऑफ एक्स था, मोर ऑफ एक्स था एंड लेस ऑफ वाई था, है ना बच्चों? ये देखा आपने, मोर ऑफ एक्स था एंड लेस ऑफ वाई, पहले ये था अब ये घट गया, वाई घटा यहां से वाई नॉट से वाई वन पे, एक्स नॉट से एक्स वन पे, इधर भी वही हाल था आपका, है ना बच्चों? यहां भी वही केस था आपका, आप देख सकते हैं यहां भी वही केस था, वाई की अमाउंट घटा एक्स की अमाउंट बढ़ा, ठीक है बच्चों? ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि यदि x एंड y की यूटिलिटी में चेंज आता है, मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज आता है, तो फिर इक्विलिब्रियम एंड x एंड y पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी आपका px प्राइस रेशियो चेंज होगा तब क्या होगा, आपकी इनकम चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का भरमार है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स। यदि आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको तैयारी करनी है, मतलब एक ही स्लॉट में, एक ही बार में आपको जेआरएफ का क्लियर करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पे, प्लीज इसको इसको देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, मुझे लगता है दिख रहा होगा। देखिए, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ रेट ऑफ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट फंक्शन ऑफ, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, बट ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, मल्टीप्लायर विल बी मोर लेस रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव, क्या होगा, क्या होगा इस केस में बता सकते हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही सिंपल सा केस है ये, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए मैं इसको किस तरीके से करता हूं, देखिए इसको किस तरीके से करता हूं। जब आपके पास इसका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस बी आर, कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है, है कैसा, तो इस तरीके का है, प्लस के वाई है, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है ये सिर्फ एंड सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, ये आपके इनकम का भी फंक्शन है, ये आपके इनकम का भी फंक्शन है बच्चों, मतलब इनकम भी आ गया यहां पे आप, तब मल्टीप्लायर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको मैंने मल्टीप्लायर में सिखाया है कि मल्टीप्लायर का डेरिवेशन कैसे करते हैं, वो आप देख लीजिए, उसको डेरिवेशन, आप मल्टीप्लाई को डिराइव कैसे करते हैं। देखिए प्लीज, मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में तो सिखाना चाहता हूं, देखिए प्लीज कि आप लोग इसको किस तरीके से इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लीज, मल्टीप्लायर में तो आपको पता ही है बच्चों कि किस तरीके से, आप देखिए, आपको पता है कि वाई is equals to c plus i plus g, क्लोज इकोनॉमी लेते हैं बच्चों। c की वैल्यू क्या होती है बच्चों? c की वैल्यू c नॉट प्लस c1 yd, yd is equals to क्या होता है बेटा? डिस्पोजेबल इनकम y माइनस t, राइट। i की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इट्स नॉट ओनली फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज आई इक्वल्स टू
आई नॉट माइनस बी आर प्लस के वाई, है ना बच्चों। एंड जी की वैल्यू, जी की वैल्यू आप जी नॉट रखें, ठीक है बच्चों। जी की वैल्यू कह रहा है कि अब ये वाला कंडीशन है तो जी की वैल्यू आप जी नॉट रखें और देखिए आपका मल्टीप्लायर पे कैसे होता है। देखिए बच्चों, देखिए वाई इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वन वाई माइनस टी नॉट, वाई माइनस टी नॉट राइट प्लस आई नॉट, प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस के वाई, ठीक है बच्चों। और प्लस के वाई एंड जी की वैल्यू क्या होगा, यहां पे दूसरे कलर लेते हैं, यहां पे जी की वैल्यू क्या होगा बच्चों, जी की वैल्यू जी नॉट ही रहने दीजिए। अब इसको आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए y इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आपके पास y इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यू आप उसमें आप ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, c नॉट प्लस c1 y माइनस c1 t नॉट प्लस i नॉट माइनस br प्लस के वाई प्लस जी नॉट, है ना बच्चों। देखा आपने, अब आप लाइक टर्म कौन कौन सा है इसमें, लाइक टर्म आपका ये है और ये है, इन सब को आप एक साथ ले लीजिए, इन सब को आप एक साथ ले लीजिए। देखिए इसको आप इधर ले आएंगे तो y माइनस सी वन वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये किधर आएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस है, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस के वाई इज इक्वल्स टू सी नॉट, सी नॉट माइनस सी वन टी नॉट राइट प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस जी नॉट, है ना बच्चों। अब यहां से आप वाई कॉमन ले लें, y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस सी वन माइनस के राइट, माइनस के आएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू ये सारी आप देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, इसको आप ऑटोनोमस मान लीजिए क्योंकि यहां पे आपके पास कोई भी इनकम से रिलेशन नहीं है इन सब में, ना ही c का, ना ही t का, ना ही i का, ना ही g का, तो इसको हमने ऑटोनोमस मान लिया, दैट इज कॉल्ड a नॉट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए ए नॉट। अब देखिए आप आगे y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, यहां पे y इक्वल्स टू ए नॉट ओवर वन माइनस सी वन माइनस के। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिफ्रेंशिएट करें, dy वाई बाई डी ए, मल्टीप्लाई नहीं होता ना बच्चों, मतलब चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ऑटोनोमस एलिमेंट, ये होता है ए नॉट इज इक्वल्स टू, ये तो वन आ जाएगा बच्चों, वन ओवर वन माइनस सी वन माइनस के, ये आपका मल्टीप्लायर हुआ किस केस में, जब जब इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंडेंट है। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, जब ये वाला पार्ट नहीं होगा तो यहां पर ये वाला भी पार्ट नहीं होगा, तो यहां पे ये वाला भी पार्ट नहीं होगा, है ना बच्चों, ये वाला भी पार्ट नहीं होगा, तब क्या होगा, तब उस केस में आपके पास ये होगा, यानी dy वाई बाई डी ए इज इक्वल्स टू वन ओवर वन माइनस सी वन। कौन ज्यादा है बच्चों, मल्टीप्लायर कौन ज्यादा है, कौन किसकी मल्टीप्लायर ज्यादा है बच्चों, बता सकते हैं आप लोग किस केस में मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इसका कम है तो मल्टीप्लायर ये ज्यादा है बच्चों, मल्टीप्लायर ये ज्यादा है, ये वाला मल्टीप्लायर क्या है, कम है, इस वाले मल्टीप्लायर की वैल्यू कम है, बिकॉज कि यहां पे देखिए, यहां पे माइनस
के हो रहा है, और के क्या है, कोफिशियंट ऑफ इनकम इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर इन दिस केस बच्चों, है ना, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर, इसका आंसर ए होगा। इस तरीके के बड़े सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए प्लीज। ये क्वेश्चन आपके पास इकोनोमेट्रिक्स से है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, इकोनोमेट्रिक्स से है। ये बहुत ही डेफिनेशनल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ खास नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ आंसर के अलावा और कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन है। जब मोर देन टू और मोर वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं देन क्या होता है, टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दूसरे से रिलेशन होता है, उसे आप मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं बच्चों। यहां पे मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यार टाइम कंस्टेंट होता है, पूरा डेरिवेशन की जरूरत होती है, हालांकि इसमें आपको डेफिनेशन ही चाहिए। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, वेन टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी एक एजम्पशन वायलेट हो रहा है, गॉस मार्को थ्योरम का एक एजम्पशन वायलेट हो रहा है, और उस केस में ये आपके पास मल्टी कोलिनियरिटी का केस होता है बच्चों। किसका केस होता है बच्चों, मल्टी कोलिनियरिटी। तो इसका आंसर आपके पास बी होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूं, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के केस में ये देख क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी विल लीड टू मोर आउटपुट। अब ये चीजें आपको बहुत ही मतलब बारीकी से समझनी होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है, और वहां पे डिटेल तो नहीं बताया होगा, लेकिन जो हमारा कोर्सेज है, जो हमारी बेसिक कोर्सेज हैं, जो पेड कोर्स है, उसमें मैंने आपको बताया। और हाँ, पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें और फटाफट मुझसे बात करें, सो दैट कि आपका आने वाला एग्जाम में आपको निराशा हाथ ना लगे, आप कुछ ना कुछ एग्जाम से कम नेट लेकर के आए। देखिए इस केस में क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझिए। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में आपके पास ये देखिए, इसमें जो मार्जिनल बेनिफिट कर्व होता है बच्चों, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में ये देखिए, ये आपके पास प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट होता है बच्चों, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, यहाँ पे क्वांटिटी एंड यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू और प्राइस आता है बच्चों, है ना, प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ एडिशनल बेनिफिट भी सोसाइटी को देता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एजुकेशन, आप स्कूल में, स्कूल जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देता है, कॉलेज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देता है। स्कूल में दो स्टेक होल्डर हैं, एक तो स्टूडेंट और दूसरा स्कूल। स्कूल जो पढ़ाता है उसके लिए पैसे लेता है, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसके लिए पैसे देते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छा बिहेवियर सीखते हैं, अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, उसे सोसाइटी में भी उसका बेटर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी मार्जिनल बेनिफिट। ये देखिए बच्चों, ये आपके पास ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल बेनिफिट, और ये क्या है आपके पास, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, देखा आपने, एंड इस ये जो आप देख रहे हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड सोशल मार्जिनल कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट ये होगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के केस में, लेकिन इस पॉइंट पे जो बेनिफिट है वो ये होगा, क्योंकि यहां पे प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इतना होगा, लेकिन
ये आप देख सकते हैं यहां पे सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं यहां पे जो सोशली डिजायरेबल है, ये देखिए जो सोशली डिजायरेबल है दैट इज कॉल्ड Q1। तो सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट इज मोर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां पे वही बात है, ये देखिए आउटपुट द मोर देन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी विल लीड टू मोर आउटपुट देन सोशली डिजायरेबल, नहीं क्योंकि सोशली डिजायरेबल तो ऑलरेडी ये है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल यानी ये मोर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल है बच्चों। तो आंसर इसका क्या हुआ, इसका आंसर हुआ बी। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स को डिटेल में उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ इको पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल में आपसे क्या पूछता है बच्चों, ये देख लीजिए आपके पास सोलो ग्रोथ मॉडल। आउटपुट पर वर्कर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है सोलो ग्रोथ मॉडल में, आउटपुट पर वर्कर किस पे डिपेंड करता है बच्चों। सिंपल सी बात है, इसमें आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को सोलो ग्रोथ पढ़ाया था, जब मैंने आपको सोलो ग्रोथ पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि आउटपुट वाई इक्वल्स टू के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ, राइट। और पर वर्कर इसको पर वर्कर के टर्म्स में हमें करना है, तो आउटपुट डिवाइड बाय लेबर, आउटपुट डिवाइड बाय लेबर, हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये देखिए इसको स्मॉल वाई लिखते हैं, याद होगा आपको, दैट इज आउटपुट पर वर्कर इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए के पे पावर हाफ इंटू एल पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई, ये एल को हम दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं, दैट इज एल पे पावर हाफ इंटू एल पे पावर हाफ, ठीक है। तो एक ये और ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास, ये ही बचा ना आपके पास बच्चों, देख रहे हैं आप लोग के बाई एल पे पावर हाफ, क्योंकि बेस है, बेस सेम है तो पावर एक ही हो जाएगा, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू के बाय एल पे पावर हाफ, है ना बच्चों। या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, वाई वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल के पे पावर हाफ। ये क्या है, ध्यान समझिए, आउटपुट पर वर्कर डिपेंड्स अपॉन कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर, मतलब हर वर्कर के पास कितने कैपिटल अवेलेबल है उस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन सोलो ग्रोथ मॉडल, इन सोलो ग्रोथ मॉडल आउटपुट पर वर्कर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बताइए बच्चों, डिपेंड्स अपॉन लेबर पर मशीन, मशीन पर वर्कर, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली मशीन मतलब कैपिटल, पर वर्कर यही तो है आपके पास, मशीन यानी कैपिटल पर वर्कर, ये देख लीजिए आप लोग, मशीन यानी कैपिटल, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल पर वर्कर, ये स्मॉल के क्या है, के बाय एल। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिए। हाँ बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को यदि सही मायने में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, एक बार में आपको नेट या फिर जेआरएफ निकालना है, तो फिर आप देर मत कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और मुझसे बात करें, सलाह लें और देखें कि मेरा कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग आप किस तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। मैंने उसमें आपको पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट तैयार किया है। इस तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप बड़ी आराम से किया गया है, सो दैट कि आप अपने सपनों को साकार कर पाए। बच्चों इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे कॉल करेंगे। थैंक यू।